न्यूज क्लिक का यूएपीए केस में गौतम नवलखा से पूछताछ जो है वो हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुंबई जाकर इनसे पूछताछ करेगी और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। नवलखा से ये पूछताछ चीन से हुई फंडिंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन को लेकर की जाएगी। सैयद गुलाम नबी से रिश्ते को लेकर भी ये पूछताछ जो है यहाँ पर होनी है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, अब यहाँ पर इस मामले में गौतम नवलखा से पूछताछ जो है वो होनी है, किस तरह से मामला अब तक आगे बढ़ा है जरा बताइए। देखिए, जो न्यूज क्लिक है जिसके जो संपादक है प्रवीर प्रकाश और उसके जो एचआर हेड है अमित चक्रवर्ती, उनको स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था और उसमें आरोप ये था कि ये इस जो डिजिटल पोर्टल है इसको चाइना से फंड आता है और ये जो है देश विरोधी गतिविधियों और इस तरह का जो प्रोपोगंडा है उसको फैलाने में लगा हुआ है। तो जांच में ये बात सामने आई कि इस पोर्टल में जो शेयर होल्डर हैं वो गौतम नवलखा भी हैं और गौतम नवलखा का नाम दिल्ली पुलिस के रिमांड नोट में आया था, एफआईआर में भी नाम था। अब उसी मामले में जो स्पेशल सेल की एक टीम है वो मुंबई जाकर गौतम नवलखा से उनके घर में पूछताछ करेगी, क्योंकि वो एक दूसरे मामले में जो भीमा कोरेगांव हिंसा का मामला है उस मामले में वो हाउस अरेस्ट हैं और लंबे समय से वो घर पर ही रह रहे हैं, तो वहीं जाकर उनसे पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा था कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसका जो एजेंट है सैयद गुलाम नबी, उससे भी गौतम नवलखा के रिश्ते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में जो है वो सैयद गुलाम नबी जो है वो देश के बाहर से बैठकर लगा हुआ है, तो उससे रिश्तों को लेकर पूछताछ होगी। सैयद गुलाम नबी को जो एफबीआई है वो पहले गिरफ्तार कर चुकी है और वो अभी अमेरिका में रह रहा है। तो गौतम जो नवलखा हैं उनकी जो दूसरा मामला है भीमा कोरेगांव वाला, उस मामले की जांच एनआईए जो है वो कर रही है और इस मामले में जो तीस्ता शीतलवाड़ है सामाजिक कार्यकर्ता, उनका भी नाम आया था, उनसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहले ही पूछताछ कर चुकी है। उनके पति जावेद आनंद से भी पूछताछ पुलिस ने की है। तो अब इस मामले में न्यूज क्लिक मामले में जो न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर हैं गौतम नवलखा, उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि एलिगेशन यही है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता है नेविल राज सिंघम, उसके द्वारा न्यूज क्लिक को फंड दिया गया और उस फंड के बदले इन लोगों ने देश विरोधी खबरें, देश विरोधी जो प्रोपेगेंडा है वो न्यूज के जरिए फैलाया।